नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी। एक गांव दुबल का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें कुछ लोगों द्वारा जो गांव की रूढ़ियां होती हैं उन पर कब्जा जो है वो किया हुआ है। लगभग 9 रूढ़ियों पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं मांगेराम जी, उनसे जानेंगे, जिन्होंने 2 दिन पहले उपायुक्त महोदय को भी इस बारे ज्ञापन दिया और मांग की है कि जिन्होंने कब्जा किया है उन कब्जाधारियों से वो कब्जा छुटवाया जाए। लेकिन पूरा मामला क्या है, इस बारे में जानेंगे मांगेराम जी। नमस्ते मांगेराम जी। नमस्ते जी। मांगेराम जी, पहले तो ये बताएं कि ये रूढ़ी जो आप बता रहे हैं, ये क्या पूरा मामला है, रूढ़ी किसे कहते हैं और किस तरह की ये जमीन जो है पंचायत द्वारा दी जाती है? जो बिना विषय के जाति होती है, जैसे ब्राह्मण बनिया वगैरह जिसके खेत नहीं है जी, खेत वालों को तो उनके नंबर की रूढ़ी कटती है, लेकिन इनको पंचायत की जमीन से रूढ़ी दी जाती है जी। तो हमें वो रूढ़ी इस्तेमाल उसमें जो 1960 में हुआ था किलेबंदी, उस समय की मिली हुई थी जी, लेकिन जरूरत नहीं थी, परिवार छोटे थे। अभी उनकी निशानदेही 28 जनवरी को करवाई गई, मौके पे कानून गो पटवारी आए, कंप्यूटर द्वारा कराई गई है, उन्होंने हमारी निशानदेही दे दी। और वो निशानदेही देने के बाद हमने वहाँ नीम भर ली और व्रत कर लिया। अभी मेरे पीछे दबंग खेत वाले हैं, उन्होंने 9 रूढ़ियों पे कब्जा कर लिया है, गांव की 9 रूढ़ियों पे कब्जा कर लिया। 9 रूढ़ियों, कितनी रूढ़ियां वैसे टोटल गांव में? टोटल हम जो अभी 28 जनवरी कटी हुई 41 रूढ़ियां कटी हैं। तो कितनी रूढ़ियों पे कब्जा है? 9 रूढ़ियों पे कब्जा उसने कर लिया है। 3 ब्राह्मणों की है और 3 रबारियों की और 3 जीवरों की है। तो हम 2 भाई हैं, 2 ही सैनिक हैं। मेरा भाई 80 साल का है, 64 का भर्ती था फौज में, 24 साल सेवा करके आया, मैं भी 20 साल सेवा करके आया हूँ, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। ये दुख से मैं कैथल आ गया, गांव में भाई है उसको परेशान किया जा रहा है, उन रूढ़ियों पे उन्होंने जबरदस्ती ट्रैक्टर चला के नीम उखाड़ के हमारा कब्जा किया हुआ है। तो कितने दिन का ये मामला चला हुआ है, कितने समय से ये मामला चला हुआ, कब्जा कितने समय पहले का किया हुआ है? कब्जा हमने जनवरी में लिया था, 28 जनवरी को। और ये कौन से सन की बात है? इसी साल 2021 में 28 जनवरी को कानों को मौके पे गया था, उन्होंने निशानदेही करके आप लोगों को सुपुर्द कर दिया था जी। कानों को पटवारी उन्होंने बताया आपकी जमीन ये है, 3 रूढ़ी हमारी है, 3 रबारियों की और 3 जिमरों की, जिसमें जिमरों के कूप भी, तूड़ी का कूप भी खड़ा हुआ अभी तक, लेकिन दबंगों ने वो सारा ट्रैक्टर से नीम नाम उखाड़ के वो जो वर्त किया था उसको उखाड़ दिया और अपना जाड़ लगा लिया है। तो आपने इसकी शिकायत संबंधित पुलिस विभाग को नहीं दी? पुलिस को दी थी, पुलिस बोलते है आपका पर्सनल मामला है, जमीन का मामला है, इसको कैसे, वो मारपीट तो हुई नहीं है जिससे हमें इन्वॉल्व होना पड़े, इसलिए आपको अपना मसला है ये सोल्व कर लो। नहीं कहते, आपने कहा नहीं पुलिस को कि ये पर्सनल मामला नहीं है, प्रशासन पुलिस हमें मिलके नहीं गई, पुलिस वहीं से बात करके किसी से चली। अच्छा, तो उसके बाद अब क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? मेरे बड़े भाई ने सीएम विंडो में दे दी है और मैंने 2 अगस्त को डीसी महोदय को दरखास्त दी है, प्रार्थना की है कि वो हमारी रूढ़ियों का कब्जा छुटवाया जाए और जो हमारा खर्चा हुआ है 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा, वो खर्चा दिलवाया जाए। खर्चा कैसे हुआ आपका? हमने नीम भरवाई है, भर्त कराया, वो बहुत गहरा था। अच्छा, वो सब कुछ तोड़ दिया है, लाइक तालाब की तरह था वो, तो हमने कम से कम उसमें 70-80 ट्रैली मिट्टी की भरवाई है, तो वो सारा उन्होंने बिखेर दिया। किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है इस पे? वो वहाँ पे एक हमारे चौधरी भल्लेराम के लड़के हैं, लीला राम है, शिषपाल है और एक ज्ञानी राम का लड़का राजकुमार है, जिनका उनका जमीन लगती है खेत की, उनके 8 किले हैं वहाँ पे, वो 8.5 में बिजाई कर रहे हैं, आधा किला पहले उन्होंने रोका हुआ है, फिर हमारी रूढ़ियों पे भी कब्जा कर लिया, यानी 9 रूढ़ियों पे कब्जा किया हुआ है। मेरी यही प्रार्थना है प्रशासन से, उनकी मपाई कराई जाए और उनसे। तो मौके पे जो कानून गए थे आप उनसे नहीं मिले कि आप रूढ़ियां जो दे के आए थे उन पे कब्जा हो गया, आप उस कब्जे को हटवाने जाएं, तो इस बारे आप कानून से नहीं मिले? कानून से मिले थे, कानून को बोलता नहीं, उन्हीं की जमीन है। अब कानून को जो निशान दे करके आया था, अब कानून को उनको कह रहे, उनकी कह रहे कि जमीन, उन्हीं की जमीन है, तो हमने बोला जब निशान दिए तब नहीं उनकी जमीन दिखी आपको, तो कानूनगो ने कुछ ले देके उनसे कुछ। कौन है कानूनगो, तो कौन गए थे उस समय? मिस्टर सुरेश कुमार है। अच्छा जी, ठीक है, पटवारी अशोक कुमार है, तो अभी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं वो भी, तो हमारे कोई वो बोलते मेरे क्या करोगे, सस्पेंड करोगे, इसके ऊपर क्या करोगे, ये वर्ड किनके हैं? ये कानूनगो के वर्ड है, ये कानूनगो के वर्ड है, मेरे को सस्पेंड कराओगे इसके ऊपर क्या करोगे। तो इस बारे में आपने उपायुक्त से मिले, ये चीजें आपने उपायुक्त को बताई? बोले उपायुक्त ने मेरे को आश्वासन दिया है, बोले ऐसी कोई बात नहीं, आपको हक मिलेगा, आपका हक मिलेगा, आपको दिलवाएंगे। तो कितने दिन से आप धक्के, मतलब इस तरह के चक्कर काट रहे हैं? 10 दिन से धक्के खा रहे हैं। 10 दिन से आप धक्के खा रहे हैं जी। बिल्कुल, गांव दुब्बल का ये मामला है जहां पंचायत द्वारा रूढ़ी काटियां जो काटी गई थी, जहां परिवार के लोग गोबर वगैरह या अपना मकान जो है वो बना सकते हैं, जिनके पास जमीन नहीं उनको 60-60 गज की रूढ़ियाँ दी गई थी, लेकिन कुछ दबंग जिस तरह से आरोप लगा रहे, लेकिन हम इन आरोप की भी पुष्टि नहीं करते, लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा उन रूढ़ियों पर कब्जा कर लिया गया, जबकि कानूनगो द्वारा मौके पे जाकर उसकी निशानदेही की गई और वो हमें सुपुर्द की गई, लेकिन अब दोबारा से कानूनगो जैसे जब मिले ये
तो साफ तौर पर कानूगो मुकर गए कि ये उनकी ही जगह है। जब उनकी जगह है तो फिर आपने निशानदेही क्योंकि क्यों निशानदेही कर इन व्यक्तियों को वो रूढ़ियाँ दी गई। कहीं ना कहीं सवाल अब कानूगो पटवारी पर भी खड़ा करता है, लेकिन आरोप जो वो लगाए गए हैं हम इनकी कतई पुष्टि नहीं करते। लेकिन इस मामले में मांगे राम जी उपायुक्त महोदय से 2 दिन पहले मिले थे और उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन देखना यह है कि अब कितनी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। मांगे राम जी, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है हमारी रूढ़ी को खाली कराया जाए और जो हमारा खर्चा हुआ है उसके वो खर्चा दिया जाए, उसका खर्चा दिया जाए। मांग ये है जी, ये मांग है हमारी। तो उपायुक्त से कितनी कास आप लगा रहे हैं कि उस पर उपायुक्त संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे? पूरी उम्मीद है जी मुझे, पूरी उम्मीद है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद क्या कार्रवाई आपके लोगों के द्वारा की जाएगी? उसके बाद हम सीएम से मिलेंगे जाकर। बिल्कुल, आप बखूबी देख सकते हैं दुबल से हैं मांगेराम जी, जो देश सेवा कर चुके हैं, 20 साल देश सेवा को दे चुके हैं, देश को दे चुके हैं। फौजी फौज में कार्यरत थे, रिटायर हुए हैं, इनके बड़े भाई हैं वो भी फौज में कार्यरत थे, देश सेवा कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि अब वो फौजी दर दर की ठोकरें खा रहा है, 10 दिन से लगातार प्रशासन तक पहुँच गुहार लगा रहा है, तमाम अधिकारियों तक पहुँच चुका है, लेकिन कोई सुनवाई जो है वो नहीं की गई। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले को की जांच करें और जो सही कार्रवाई है उसको करने का काम करें। धन्यवाद।